नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सार। आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। पृथ्वी शॉ की शानदार धमाकेदार कमाल बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। वो विजय हजारे ट्रॉफी जिसमें कई सारी टीमें खेल रही थीं, इतने सारे राज्यों की टीमें खेल रही थी, सबको पछाड़ते हुए पृथ्वी शॉ की कप्तानी में, बड़ी बात यह है कि पृथ्वी शॉ की कप्तानी में मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है और उत्तर प्रदेश को फाइनल मुकाबले में हरा दिया। फाइनल मुकाबले में भी पृथ्वी शॉ का बल्ला खूब बोला और सीरीज में उन्होंने 8 मैचों में जो 800 से ज्यादा रन ठोके ना, उसकी वजह से मुंबई को ये जीत मिल पाई है। पूरी तरीके से जीत का श्रेय पृथ्वी शॉ को ही जाएगा। वो बल्लेबाज जो आज से 2 महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया में था, 2 गेंदें आती हैं, आउट होता है, उसके बाद से सवालों की बौछार शुरू हो जाती है, लोग उसकी तकनीक पर सवाल उठाने लगते हैं और फिर वो टीम से ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जब वापस से जाता है और विजय हजारे ट्रॉफी खेलता है तो धमाल मचा देता है, बता देता है कि 100 से ज्यादा एवरेज क्या होता है। पता है हमको, इस पूरी सीरीज में 8 मैचों में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं पृथ्वी शॉ। इससे पहले कोई भी बल्लेबाज, बड़े से बड़ा बल्लेबाज, पृथ्वी शॉ के इस रिकॉर्ड को नहीं छू पाया था, 800 नहीं बना पाया था विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में, लेकिन पृथ्वी शॉ ने वो भी करके दिखा दिया। जहां तक बात है फाइनल की, तो मुंबई ने उत्तर प्रदेश को फाइनल में 6 विकेट से हराकर चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई की टीम ने 42वें ओवर में ही 4 विकेट खोकर ही 315 रन ठोककर मुकाबला जीत लिया। आदित्य तरे ने बहुत शानदार पारी खेली और उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आदित्य तरे ने शतकीय पारी खेली और 1 शतक और चूक गए, 73 बना पाए पृथ्वी शॉ, लेकिन वो ही काफी था क्योंकि बड़ी तूफानी इनिंग्स उन्होंने खेली। तो ये वो बल्लेबाज था पृथ्वी शॉ जिसने अपनी कप्तानी में अभी तक 4 मैचों में कप्तानी की थी जब तक श्रेयस अय्यर नहीं थे। उन 4 मैचों में 3 मैच में तो शतक ठोक दिया और आज के मैच में भी शतक ठोक सकते थे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से वो दूर रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, शतक तो छोटी चीज है, टीम की जीत बड़ी चीज है। तो पृथ्वी शॉ ने वो करके दिखा दिया है जो बड़े से बड़ा बल्लेबाज करके नहीं दिखा पाया था। विजय हजारे ट्रॉफी में एक सीजन में 800 से ज्यादा रन और अपनी कप्तानी में टीम को जीत दिलाना। तो कहते हैं ना कि आप कठिन परिश्रम करते रहिए करते रहिए करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको सफलता हाथ लगेगी ही लगेगी। आपने ये भी सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है पृथ्वी शॉ ने। कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे और देखिए आज उन्होंने क्या करके दिखा दिया है। अब तो ये भी खबर आने लगी कि इतनी शानदार बल्लेबाजी की है कि हो सकता है वापस से भारतीय वनडे टीम में उनको मौका मिल जाए। हालांकि इसके आसार बहुत कम है, लेकिन टीम से ड्रॉप होने से लेकर 2 ही महीने के अंदर टीम में आ जाना चाहिए, यहां तक की नौबत को ले आए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत, अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत। तो क्या कहना चाहेंगे आप पृथ्वी शॉ की इस बल्लेबाजी पर, क्या कहना चाहेंगे मुंबई की विजय हजारे ट्रॉफी में जीत पर? और अगर आप मैं तो कहूंगा क्रिकेट फैंटेसी लीग खेलने का शौक रखते हैं तो बल्लेबाजी जो है एप्लीकेशन डाउनलोड। और अगर आप क्रिकेट फैंटेसी लीग्स खेलने का शौक रखते हैं तो दोस्तों बिना समय गवाए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए बल्लेबाजी.com एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप बल्लेबाजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर टीम बनाइए अलग अलग कॉन्टेस्ट के लिए, मैं भी वहां पर आपको मिलूंगा, मैं भी टीम बनाता हूं अपनी, मैंने तो अभी मैच में बनाई भी हुई है। और वहां पर आप भी अपनी टीम बनाइए, मुझे मेरी टीम को हरा कर दिखाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ पहला मैच वहां पर आप जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने को मिलेगा, पहला क्विज आप फ्री खेलेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे आपकी मर्जी है कैसा कॉन्टेस्ट आपको कब खेलना है पूरी तरीके से। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए और मुझे, मेरे साथ जुड़िए इस एप्लीकेशन पर और साथ ही साथ मेरी टीम को हरा कर दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।